गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं मिथिलेश चौधरी हमेशा की तरह रोज की भांति आपके लिए एक वीडियो लेकर के आया हूँ। लाइफ इज ए क्वेश्चन, हमारा जो लाइफ है एक क्वेश्चन बन के रह गया है, एक क्वेश्चन मार्क के बन प्रश्न बन के रह गया है। तो जिए तो जिए कैसे बिना आपके, क्वेश्चन को लेके ही जीना पड़ता है कि लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके। ओके, तो एक भोजपुरी गाना हमको याद आ गया जब बचपन में हम सुनते थे कि चुनर में दाग कहाँ से लागल है, चुनर में दाग कहाँ से लागल, कि चुनर में दाग कहाँ से लागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल। ये मत समझो कि ये चुनर बोल रहा हूँ, ये शरीर रूपी चुनर, ये आत्मा रूपी चुनर को हम बोल रहा हूँ। ये शरीर जो है इसमें दाग कैसे लग गया, क्वेश्चन मार्क कैसे बन गया। हम तो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हर दिन हमारा क्वेश्चन एक बन जाता है कि चुनर में दाग कहाँ से लागल, चुनर में दाग कहाँ से लागल, कि यही रे चुनरिया के मलमल धोवनी, कि यही रे चुनरिया के दाग कहाँ से लागल। बहुत सोचने की बात है, ये क्वेश्चन मार्क बन जाता है जिंदगी। ये आत्मा जो है, हम सब कुछ तो धो लेते हैं लेकिन आत्मा रूपी जो हमारे अंदर आत्मा उसको धो नहीं पाते हैं। कल छपट, किसी को बेवकूफ बनाना, ये सारे हमारे अंदर भरा हुआ है। तो आत्मा रूपी चुनर को कैसे धो सकते हो भैया, कि ये हीरे रंग महल में कि दस दरवाजा कि दस में रहे ताला लागल, चुनार में दाग कहाँ से लागल। तो ये शरीर जो है एक प्रश्न बन के रह जाता है कि आखिर जिए तो जिए कैसे बिन आपके, बिन प्रश्न के। हर दिन आपके सामने प्रश्न ही प्रश्न है, क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। तो आखिर आपके साथ जिए तो जिए कैसे, तनाव ही तनाव है। तनाव का कारण क्या है, ये गाना याद आता है कि मोर सैया, हाहाहा क्या बात है, जरा दर्द भरा ये गाना है कि मोर सैया तो खूब ही कमात है, कि महंगाई जान खाए जात है, मोरे सैया हो मोरे सैया तो खूब ही कमाती है, महंगाई दान खाए जात है, मेरे बिटवा मेरा बबुआ मेरा बिटिया तो खूब ही कमाती है, कि जीएसटी जान खाए जात है, मेरा बबुआ तो खुद ही कमाते है, मेरा बेटवा वो मेरा बेटवा तो खूब ही कमाते है, आईटी रिटर्न खाए जाते है, मेरा बबुआ बाबा बा स्ट्रेस कितना कम करो। जिए तो जिए कैसे, क्वेश्चन मार्क है, काफी जिंदगी स्ट्रेस है। कि मेरा बेटवा कि मेरा सैया हो मेरे बलमा तो खूब ही कमाते है, प्रॉपर्टी टैक्स दान खाए जाते है, मोरे भैया हो मेरे भैया तो खूब ही कमाते है, मोरे भैया तो खूब ही कमाते है, प्रॉपर्टी टैक्स खाए जाते है, मोरे बलमा तो खूब ही कमाते है,
मोरे बलमा मेरा भाई सैया, मेरा सैया ड्राइवर बहुत कमाते है, प्रोडक्ट टैक्स खाए जाते हैं। अरे भैया दूध भी लेने जाते हैं तो इंक्लूडिंग ऑल टैक्स, कोलगेट भी लेने जाते हैं तो इंक्लूडिंग ऑल टैक्स, अरे कुछ भी पैकेट आइटम लेने जाते हैं, हल्दी मसाला भी लेने जाते हैं, इंक्लूडिंग ऑल टैक्स, टैक्स देते देते हमारा लाइफ जो स्ट्रेस में चला जाता है। देख रहे फिगर, ये फिगर इतना ही मोटा था, ये पेन इतना मोटा है, जब इसको खिंचाव होता ना, जब खिंचाव होता है लाइफ में, जब गवर्नमेंट ने खींचती है आपके, आपसे हर तरह की चीज अब टैक्स लेना शुरू करती है, तो जीएसटी, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, प्रोडक्ट टैक्स, लाइफ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, सर्विस टैक्स, तो ऐसे जब दोनों तरफ से खिंचाव होती है ना, इतना पेन बाहर आ जाता है, तो उस टैक्स, उस स्ट्रेस से बचे तो बचे कैसे। तो भैया देर क्यों करते हो, आपका लाइफ तो स्ट्रेस से भरा हुआ है, अगर स्ट्रेस से बचना चाहते हो तो मैं आपके लिए संध्या फ्लेक्स ग्रुप लेकर के आया हर्बल लाइफ, ये आपका स्ट्रेस जो है कम कर देगा। ये जो है सेलुलोस है, इसका जो है कॉर्न आपने देखा होगा, बहुत टेस्टी होता है, खेतों में होता है कॉर्न, जो आपका जो उसका जो वो रहता ना स्किन रहता है, और क्या बोलते हैं हेयर को, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाल को, उसके कॉर्न हेयर जो रहता है, उसके कॉर्न पे हेयर से जो आपको देखा होगा कॉर्न के ऊपर जो बुरादे बुरादे हेयर की तरह रहती है, स्किन की तरह रहती है, उससे बना हुआ है जो आपके लाइफ के स्ट्रेस को, तनाव को, ये जितने तरह के आपका लाइफ में तनाव है, आपको जिंदगी जीना बहुत मुश्किल हो जाता है, ये हर्बल लाइफ जो है आपके जिंदगी के तनाव को रोक सकता है। इसके इसका है सेलुलस, इसमें 90 टैबलेट होता है। मिथिलेश चौधरी तो सुधर गया, भला आपका सुधर हो गया, देखो ये बनावट होता है, इसको हमें 3 टाइम लेना होता है सर, अब देख लो आपके सामने ले रहा है, 3 टाइम्स लीजिए। अब बैठे बैठे इसका रीजन क्या है आपका स्ट्रेस का, बैठे बैठे चेयर पर काम करते हैं ऑफिस में, आप वॉक नहीं कर पाते हैं, तो आपका जो फैट जो है ये काफी बढ़ जाता है, ये जो साइड में लटक जाता है इसको अंदर ले जाएगा, आपका पेट जो है ना बाहर निकल जाता है, उसको भी अंदर लेके जाएगा। इसके लिए आपको स्ट्रेस से बचने के लिए अपने लाइफ में इसको सेवन करते हुए आपका अपना लाइफ स्टाइल को भी सेवन, आपको मिनिमम अच्छा नींद आनी चाहिए, काम करते करते आपका ब्रेन जो है स्ट्रेस से भर जाता है, आपका लाइफ स्ट्रेस से भर जाता है, तो उस स्ट्रेस से बचने के लिए आपको एक अच्छी नींद आनी चाहिए। जब एक टाइम बना लीजिए, सोने का टाइम और जगने का टाइम, अपने लाइफ में मिनिमम 4 टाइम्स आपको फूड्स की जरूरत पड़ती है। जैसे हर्बल लाइफ आपको लाइफ को जीना सिखा दिया, हर्बल लाइफ, हर्बल का मतलब होता है कि प्राकृतिक चीज, नेचुरल चीज को ही हर्बल बोला जाता है। जब तक हम नेचुरल को साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, लाइफ को बनावटी चीजों के आगे भागेंगे, तो हमारा लाइफ जो है, एक झाड़ का एज देखिए, जब बरगद का पेड़ होता है वो नेचुरली चीज जिंदगी जीना चाहता है तो 100 ईयर्स जीता है, मैंगो का पेड़ भी आपको 50 साल तक जिंदा रहता है, लेकिन मनुष्य का जो लाइफ है, जिंदगी है, वो बहुत कम होते जा रहा है, क्यों, फास्ट फूड के तरह भाग रहा है। तो हमको अगर आप लेते हो, आपको कम बेनिफिट होगा, कम से कम अपना हाइट के हिसाब से पानी पीना सीख लो। जब सुबह उठते हो तो सर मैं आपको सजेस्ट करूंगा, गुनगुने पानी पियो, बाथरूम जाने से पहले, टॉयलेट जाने के पहले आप फ्रेश लो। इसके बाद आप जैसे आप ड्यूटी के लिए जाते हो, लाइट फूड ले लो, लाइट डिश कुछ फ्रूट्स ले लो। फ्रूट्स लेने के बाद आप हर एक आधे घंटे एक घंटे पर अगर आपको प्यास भी नहीं लगती है तो आप साथ में एक बोतल रखिए, गुनगुने पानी पीना पसंद करिए, फ्रिज का पानी को अवॉइड कर दीजिए। हर वक्त काम करने के बाद आधे घंटे के बाद अपना सीट को छोड़ के थोड़ा वॉक करो और एक ड्रॉप पानी लो,
ज्यादा नहीं पी सकते, आज एक ड्रॉप चालू करें कल दो ड्रॉप होगा, तो आपके जो हेल्थ को अच्छा फिटनेस देगा। उसके बाद आप लंच में भी, आप लंच जाने से पहले आप अपने अंदर इतने पानी डाल दो वाटर की मात्रा कि आपको पेट भरा रहे, थोड़ा ही खाओ। इसके बाद आपका फर्स्ट फोर्थ थर्ड स्टेप आता है, जब 2 बजे के टाइम में, 3 बजे के टाइम में, 4 बजे के टाइम में आपको काफ़ी भूख लगती है, तो उस टाइम ही आप कुछ फ्रूट्स का इस्तेमाल करो, फ्रूट सलाद ले लो, ताकि आपको जो भूख है थोड़ा देर के लिए रुक जाए। और फिर आप बेड पर जाने से पहले, जैसे आप 10 बजे सोते हो तो 8 बजे, अगर 9 बजे सोते हो तो 7 बजे कुछ आप लाइट फूड्स ले लो। अगर आप वो फूड्स नहीं ले सकते हो तो हर्बल लाइफ का ही शेक ले लो। तो मैं बोलता हूँ कि आपको लाइफ में इस स्ट्रेस से बच सकते हो, आपका जिंदगी आगे बढ़ सकती है। तो आप, मैं तो सुधर गया, भला आप कब सुधरोगे, तो आप याद रखिए ये जो सारे सिस्टम को लेके आने वाला है स्पीकर ऑफ मिथिलेश चौधरी संध्या फ्लेक्स ग्रुप का। संध्या फ्लेक्स ग्रुप आज हर एक तरह के प्रोडक्ट को लेकर के आया है। आपको घर की जरूरत है तो रियल एस्टेट भी है संध्या फ्लेक्स ग्रुप में। आपको घर बेचना है तो जरूर कांटेक्ट करिए, आपको घर खरीदना है तो जरूर कांटेक्ट करिए। कंस्ट्रक्शन कंपनी से लेकर के एक छोटा सा बिजनेस से लेके हर बड़े प्रोडक्ट तक का हम लोग प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। जैसे ब्रिज कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट हो, या रोड कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट हो, या हाउस कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट हो, एक मल्टी ब्रांड के साथ संध्या फ्लेक्स आपके सामने है, तो इसको भूलिए मत। और आपको फिटनेस रखने के लिए संध्या फ्लेक्स ग्रुप आपके लेके आया है हर्बल लाइफ। अगर आप विजिट करना चाहते हो कि आपके ही शहर में हैदराबाद में नियर अप UMCC हॉस्पिटल चंद्रगिरी नगर में हर्बल लाइफ आपको साथ देने के लिए, आपको स्ट्रेस से बचाने के लिए 24 आवर सर्विस देने के लिए रेडी है, तो आप देर कहूँ क्यों करते हो, आज ही कांटेक्ट करिए। मेरा फ़ोन नंबर है 9652998932 9550921831। और हमारा जो है सर्विस देना हमारा लक्ष्य है, आपको हेल्दी बनाना ही तो हमारा लक्ष्य है सर। आप हेल्दी रहोगे, मैं ये सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप नाम के साथ जीना चाहता हो कि दाम के साथ? कितने लोग नाम कमाना चाहता है, कितने लोग दाम कमाना चाहता है, जरा हाथ उठाइए। आप नाम के साथ जीना चाहोगे कि दाम के साथ? दाम बोले तो पैसा आपको चाहिए या नाम चाहिए, क्या चाहिए आपको? तो भैया कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पैसे अथाह रहता है, मनी बहुत रहता है, बट उनका हेल्थ अच्छा नहीं रहने से अपने जिंदगी का कोई भी क्षण, एक एक मिनट उनके लिए भारी पड़ता है। करोड़ रुपया उनके बेड के नीचे है, बैंक बैलेंस है, लेकिन उनका हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो लाइफ को कैसे एंजॉय करेंगे? इसलिए फर्स्ट आपका जो है पर्सनालिटी चाहिए, और आपको पहले नाम चाहिए। क्या पैदा हुए थे तो क्या पैसे लेकर के आए थे क्या? यार हम तो नंगे आए थे, तो इसमें गाना बना है कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिसको एक दिन बदलना पड़ेगा। वाह वाह क्या बात है, किसने क्या कहा है? ये जिंदगी ये कपड़ा भी है ना, जैसे हम बदल करके नए कपड़े सिलवा लेते हैं, एक पुराना घर को छोड़ करके नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं, उसी तरह से ये शरीर जो है भी आपको, ये जो बोल रही है ये आत्मा है, ये अमर है। ये शरीर तो अमर नहीं है, इसको छोड़ करके जो आत्मा है, सोल है, ये कहीं दूसरे जगह में चली जाएगी, बचेगा आपका नाम, आपका पहचान। तो इसलिए मैं बोलता हूँ बंधुओं, आप पैसे के पीछे इतना मत भाग जाओ कि आपका लाइफ ही चेंज हो जाए, आप बीमार हो जाओ, बीपी बढ़ जाए, शुगर हो जाए।
आप अपने बॉडी को फिटनेस रखते हुए इस हर्बल लाइफ को सेवन करते हुए अपना जिंदगी जीना शुरू करो कि जिंदगी जिंदगी एक किराए का घर है जिसको हर दिन बदलना पड़ेगा। कि जिंदगी एक किराए का घर है जिसको एक दिन बदलना पड़ेगा। तो भैया ये लाइफ क्या है? क्वेश्चन मार्क है। व्हाई? अरे वाह, आप आते हैं टॉपिक पर। क्यों? किस? दूसरा आता है व्हाट? क्या? वाह, क्या क्वेश्चन है लाइफ का। थर्ड आता हाउ? कैसे हुआ यार? थर्ड आता व्हेन? कब हुआ? एक एक्सीडेंट होता है तो चार क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है। एक फेलियर पर्सन बनता है तो उसके पहले चार क्वेश्चन आता है कि व्हाई, क्यों हुआ एक्सीडेंट, क्यों हुआ आप फेलियर, क्यों हुए आप एग्जाम में फेल, क्यों हुए, व्हाट, क्या किया आपने, क्या किया कि आपने एग्जाम में फेल हो गया, क्या किया कि आपके पास इतनी बीमारी आ गई, हाइपरटेंशन हो गया, स्ट्रेस हो गया, क्या किया आपने, कैसे कैसे हुआ? आपका मटेरियल रिजेक्ट हुआ, आपका डिस्पैच में प्रॉब्लम हुआ, कैसे हुआ? सवाल बहुत जटिल है। ये लाइफ ही बार बार हमको एक चारों क्वेश्चन से पागल कर देती है और स्ट्रेस में ले जाकर छोड़ देती है। और फिर कब हुआ? कोई भी आप काम करते हो या सक्सेस होते हो या फेलियर होते हो, ये चारों सवाल आपको कभी छोड़ नहीं सकता है। ये क्वेश्चन मार्क जो है आपके साथ ही जाने वाला आया है। बच्चा कब पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, ऑपरेशन से हुआ, नॉर्मल डिलीवरी से हुआ, फिर कब हुआ भाई? फिर हम एग्जाम देते हैं, फिर वही सवाल, फिर हम प्रोफेशनल लाइफ में, फिर वही सवाल, फिर हम मरते भी हैं तो वही सवाल लोग पूछते हैं, यार ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ। ये चारों सवाल का जवाब देते देते इंसान जो है ना, ये जो आत्मा है ना, इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है, बचता है आपका नाम, आपका रुतबा बच जाता है। तो मैं तो दोस्तों बार बार मैं ये बोलता हूँ, मैं मिथिलेश चौधरी, हमारा फोकस अर्न द मनी नहीं है, हमारा फोकस है संध्या फ्लेक्स। संध्या फ्लेक्स हर जुबान पे गुजना चाहिए ताकि हम किसी दिन मौत के किनारे चले गए, हम इस दुनिया में रहे ना रहे, संध्या फ्लेक्स आपको याद रहे। इसलिए मैं बोलता हूँ आने वाला हर वीडियो आपके लाइफ को, आपके जिंदगी का स्टाइल को, आपको लिविंग स्टाइल को बदलते रहेगा। इसलिए इस वीडियो को आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में पहुँचा दीजिएगी। हर आने वाला वीडियो जो आपका जो है इकोनॉमिक से ही रिलेटेड नहीं रहेगा, आपका हेल्थ से भी रिलेटेड रहेगा। ओके, तो इसके साथ ही आपका ज़्यादा टाइम लेना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, तो इसके साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। प्लीज मिथिलेश चौधरी को याद रखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।